हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रजनी की रेसिपी। आप सभी का रजनी की रेसिपी में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सेब का मुरब्बा। ये देखिए, सेब का मुरब्बा तो आपने काफ़ी बार खाया होगा, लेकिन आज हम बिना छिले ही सेब का मुरब्बा बनाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके छिलकों में जो विटामिन होते हैं वो सेब के अंदर ही रह जाते हैं। ये देखिए, इन्हें अच्छी तरीके से बीजों को निकाल लीजिए। और क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सी परत होती है उसे भी बिल्कुल साफ़ करना है, हमारे जो मुरब्बे में कोई भी चीज़ ऐसी ना आए ताकि जिससे में नुकसान हो। ये देखिए, बिल्कुल साफ कर लेना है आपको अच्छी तरीके से। इस जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, इतना ही साफ करना है अपने सेब को। इससे क्या होगा कि आपका मुरब्बा बहुत ही अच्छा बनेगा और आपको हाथ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चम्मच से आप खा सकते हैं अच्छी तरीके से। ये देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेब का मुरब्बा छिले हुआ नहीं खाते हैं, इसलिए हम आज आपको बिना छिला ही सेब का मुरब्बा दिखाएंगे। इस तरीके से सारे सेबों को काट कर साफ कर लीजिए अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, मेरे बनाई हुई सारी रेसिपी, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए, हमने सेब को बिल्कुल साफ कर लिया है अच्छी तरीके से, ये हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, सारे सेब ये इसलिए लाल हो चुके हैं क्योंकि हमने इन्हें पानी में नहीं डाला हुआ है। हम इसमें पानी में डालेंगे भी नहीं, इसे हम सीधे कुकर में ही चढ़ाएंगे और इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। कुकर में इसमें सीटी नहीं लगानी है आपको, बिल्कुल मंदी मंदी धीमी धीमी आंच पर ही इसे बनाना है। इसके ढक्कन लगा देना है क्योंकि इसमें से जो पानी निकलता है वो अपनी भाप में ही बन जाते हैं। आपके पास अगर कुकर नहीं है तो भगोने में ही आप इसे ढक दीजिए, इसमें से जो सेब में से पानी होता है वो उसी में ये पक जाएंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, हमारे सेब इसलिए काले हो चुके हैं इसकी फांके, क्योंकि हमारे जो सेब के जो विटामिन है वो सब इसी में रह चुके हैं, बाहर नहीं गए हुए हैं। अब हमने भगोना ले लेना है, उस भगोने में जितने आपने सेब लिए हुए हैं उसी हिसाब से आपको चीनी भी चढ़ा लेनी है। ये देखिए, मैंने सेब जो लिए हुए थे वे 1 किलो लिए हुए थे और इसमें मैंने जो है 2 कटोरी चीनी चढ़ा ली है। ये देखिए, और इसमें मैं 2 कटोरी ही में पानी चढ़ाऊँगी। इसमें मैंने गिलास में लिया हुआ है, लेकिन आप चीनी के ही जितनी आपने चीनी ली है उसी कटोरी से आप इसका नाप कर लीजिए, इतनी ही आपको पानी चढ़ाना है। ये देखिए, इसी तरीके से आप इसे चला लीजिए। और इसमें हमने डालना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर इसलिए डालते हैं कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। फ्रेंड्स, आपने सेब का मुरब्बा तो काफ़ी बार खाया होगा, लेकिन अब जो हम आपको बनाकर दिखाने जा रहे हैं ये बहुत ही हेल्दी होता है, टेस्टी होता है, क्योंकि इसके जो ये छिलके होते हैं इसमें जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे सेब के मुरब्बे के अंदर आ जाएंगे। ये सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सेब का मुरब्बा खाया भी इसीलिए जाता है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है, टेस्टी होता है। क्योंकि अब जो सेब आने लगे हैं आप मुरब्बा अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारी जो पात है वो चिपचिपी हो चुकी है, इसमें आपको कोई तार वगैरह नहीं बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी जो सेब की जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है हमारी सेब की चाशनी। इसमें हल्का सा एक तार ही बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। ये देखिए, मैंने इसमें लिया हुआ जैतून का सिरका। जैतून का सिरका हमने इसलिए लिया हुआ है कि जो हम मुरब्बा डालने जा रहे हैं ये हमारा सालों साल ख़राब नहीं होता है। देखिए, मैंने 1 चम्मच इसमें डाल लिया है जैतून का सिरका। अब आप इस मुरब्बे को साल, 2 साल 4 साल जब तक जी करे तब तक रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए, हमारे जो हमने काटे हुए थे सेब की फांके और हमने उबाल कर तैयार कर लिया था, ये देखिए हमने इसमें डाल देना और इसे हमें 1 रात रखना है। ये बनकर तैयार हो चुका है।